नमस्कार दोस्तों, फूड डिवाइन में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के साथ आलू और सजनी की फली से बने बहुत ही टेस्टी एक रेसिपी शेयर करूंगी। एक बार आप मेरे तरीके से रेसिपी को बना के जरूर देखिएगा, ये सब्जी खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो चलिए शुरू करते रेसिपी। तो आज की रेसिपी के लिए लिया मैंने यहाँ पे 200 ग्राम सजनी की फली। फली को छीलने के बाद मैंने ऐसे बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है, और साथ ही मैंने लिया यहाँ पे दो बड़े साइज के आलू। आलू को पील करने के बाद मैंने ऐसी लंबाई में काट लिया है। फली और आलू आप अपने ज़रूरत के हिसाब से यहाँ पे कम या ज़्यादा कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते रेसिपी। अब हम एक पेस्ट तैयार करेंगे, तो उसके लिए मैंने ले लिया यहाँ पे 4 चम्मच खसखस। खसखस आप यहाँ पे कम या ज़्यादा भी कर सकते हो। खसखस में हम डालेंगे थोड़ा सा पानी और मिक्सी के जार में डाल के दरदरा पीस लेंगे। अब हम पैन में ले लेंगे 3 चम्मच तेल। तेल जैसे गर्म हो जाए हम डालेंगे 1 चम्मच कलौंजी। कलौंजी जैसे हमारा फ्राई हो जाए हम डाल देंगे यहाँ पे आलू। गैस का फ्लेम मीडियम करके आलू को पहले हम 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। 2-3 मिनट के लिए आलू को फ्राई कर लिया है। आलू का कलर जैसे हल्का चेंज हो जाए हम डाल देंगे यहाँ पे सजनी की फली। गैस का फ्लेम मीडियम रख के हमें फ्राई कर लेना है 3 से 4 मिनट के लिए। फ्रेंड्स, आज की रेसिपी आप कौन से गांव से या कौन से शहर से देख रहे हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आज की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। सजनी की फली डालने के बाद मैंने 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लिया। जैसे हल्का फली का कलर चेंज हो जाए हम डालेंगे 1 मीडियम साइज के टमाटर को ऐसे लंबाई में काट के। साथ ही हम डालेंगे कुछ ड्राई मसाले। सबसे पहले नमक डाल देंगे स्वादानुसार। टमाटर को बहुत ज़्यादा हम मैश नहीं करेंगे, इसलिए हम इसी टाइम डालेंगे 1 चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी, साथ ही हम डालेंगे 1 चम्मच जीरा पाउडर। मसाले डालने के बाद हम 2 से 3 मिनट अच्छे से बीच बीच में चलाते हुए भून लेंगे। मसाला डालने के बाद 2 मिनट भून लिया है। अब हम डालेंगे यहाँ पे जो हमने खसखस का पेस्ट बनाए थे, थोड़ा सा हम जार में पानी डाल के डाल देंगे और अच्छे से फली और आलू को तब तक भूनेंगे जब तक साइड से तेल अलग ना दिखने लगे। किसी भी सब्जी में अगर आप खसखस डालते हो, उसे अगर आप 2 मिनट अच्छे से भूनने के बाद सब्जी बनाओगे तो सब्जी का जो टेस्ट है बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो देखिए 1 मिनट हो गया, 1 मिनट के लिए और हम भून लेंगे। खसखस डालने के बाद मैंने 2 मिनट अच्छे से भून लिया है, और आप देख सकते हो पूरी तरीके से हमारा फली आलू अच्छे से भून चुका है, एकदम साइड से तेल अलग दिख रहा है। अब हम डाल देंगे करीब 1 कप पानी। तो जिस जार में हमने खसखस को पीसा था उसी जार में मैंने पानी डाल के डाल दिया है। पानी उतना ही डालेंगे जितने में आलू अच्छे से हमारा सॉफ्ट हो जाए। तो पहले हम ग्रेवी में एक बॉईल आने देंगे, फिर पैन को कवर करके मीडियम फ्लेम में 6 से 7 मिनट ढक के पकाएंगे। तो जैसे ही ग्रेवी में बॉईल आ जाए पैन को कवर कर देंगे हम 6-7 मिनट के लिए। गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे। 6 से 7 मिनट हो गए सब्जी को ढक के पकाते हुए। आलू अच्छे से हमारा सॉफ्ट हो चुका है। लास्ट में हम डालेंगे कटा हुआ हरा धनिया। धनिया डालना बिल्कुल ऑप्शनल है। साथ ही डालेंगे हम 1/2 चम्मच गरम मसाला, और सब्जी को हम 2 मिनट के लिए पूरी तरीके से ड्राई कर लेंगे। ये सब्जी थोड़ा सा ड्राई खाना ही ज़्यादा अच्छा लगता है। आप रोटी चावल किसी के साथ भी सब्जी को सर्व कर सकते हो। और देखिए टमाटर भी जो डाला था वो भी पूरी तरीके से हमारा सॉफ्ट हो गया है। 2 मिनट बाद हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और सब्जी को ढक के रखेंगे सिर्फ 2 मिनट के लिए। 2 मिनट बाद हम सब्जी को सर्व कर लेंगे, और देख के समझ सकते हो ये सब्जी खाने में कितना टेस्टी होगा। देखने में जितना टेस्टी लग रहा है खाने में इससे कई गुना ज़्यादा टेस्टी लगेगा।
तो फिर सिर्फ एक बार आप मेरे कहने पे आज की रेसिपी जरूर बना के देखिएगा, और खाने के बाद थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ रेसिपी को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। तो नई रेसिपी के साथ हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।